हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो में. ओके, पहले फर्स्ट ऑफ ऑल मैं कुछ देख नहीं पा रही हूँ, बहुत ही ब्लर है. आई डोंट नो कि मेरा फेस कौन से एंगल में है. और सो वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो. बहुत दिनों के बाद, आई थिंक ऑलमोस्ट वन वीक के बाद मैं आप लोगों के सामने आ रही हूँ, ब्लॉग कर रही हूँ. सच बोलो तो मेरा ये जो 7 days विदाउट ब्लॉगिंग रहा है, बहुत ही बढ़िया रहा है. एंड आई एम काइंड ऑफ, मैं थोड़ी बहुत यू नो लेज़ी फील कर रही हूँ ब्लॉग करने के लिए. आई डोंट नो व्हाई, सो लीव इट. बट आई एम हैप्पी टू बी बैक अगेन और अपनी ट्रैक पे चलूँगी. एंड थैंक यू सो मच गाइज फॉर आस्किंग मी कि मैं कैसी हूँ. मैं बहुत ही अच्छी हूँ. मैं ये जो 7 दिन रहा, बहुत अच्छे से बिताया. यू नो पॉल्यूशन भी नहीं है अभी, और बारिश आ रही है, बहुत ठंडा मौसम हो रही है. एंड मुझे ये भी पता है कि त्रिपुरा में साइक्लोन हेलस्टोन बहुत बड़ा बड़ा न्यूज़ में देखा है कि हेलस्टोन की वजह से बहुत लोगों के घर यू नो टूट गया है. बट देन अभी थैंकफुली यू नो इस टाइम में भी, लॉकडाउन में भी ये सब हो रहे हैं, तो इट्स रियली यू नो बहुत दुख की बात है ये. बट आई एम हैप्पी दैट गवर्नमेंट ने, सरकार ने बहुत सारी सुविधाएं दिया है और ये चीज़ को देखभाल कर रही है. तो चलिए दोस्तों, बिना लेट करके हम व्लॉग और भी लेके जाते हैं. तो आप लोग देखते रहना, मुझे एक चीज़ लेना है एंड देखते रहना कि आप लोग पहचान पाते हो या नहीं. स्पेशली त्रिपुरा के लोग तो ऑब्वियसली पहचान जाएंगे, एंड पूरा नॉर्थ ईस्ट के लोग भी. एंड जो मेरे सब्सक्राइबर्स है जो यू नो नॉर्थ इंडियन हैं, आप लोग भी देखते रहना. ये एक चीज़ है जो बहुत नहीं मिल सकती एनीवेयर, बट यू नो नॉर्थ इंडिया में भी कहीं कहीं जगह में मिलता होगा जंगल में, तो मैं दिखा दूँगी आपको. सो गाइस, अभी मैं जाने वाली हूँ. पहले मुझे मास्क पहनना होगा एंड उसके बाद मुझे एक बास्केट लेना है. और आप लोग प्लीज़ देखते रहना लास्ट तक. सो गाइस, मैंने यहाँ पे चाकू और बास्केट ले लिया है. अभी मैं जाऊँगी यहाँ से. और आप लोग देख सकते हैं, ये है मेरा दो पपी नहीं, डॉग्स. एंड यू कैन सी द वेदर, बहुत ही अच्छा है आज. जा रही हूँ अभी. एंड दिस इज द अंकल. अंकल से सब्जी लेती हूँ मैं. जा रही हूँ. दिस इज द ट्री, ये है खम्पा का ट्री, एग प्लांट. आई डोंट नो, मुझे नॉर्थ इंडियन में मिलते हैं या नहीं, तो मैं इसको तोड़ूंगी. ले लिया है. एंड एस यू कैन सी वेदर बहुत ही अच्छा है देहरादून में. सो क्लाउडी, वहाँ पे बहुत डर्ट है. यहाँ पे मैं दिखा दूँगी ये. तो मैंने ले लिया है इसको, थाई एक प्लांट बोलती है. एंड और कॉकब्रोक में खमखा बोलती है. तो बहुत सारे मिला, मैं दिखाऊंगी आप लोगों को घर में. सो आई एम बैक गाइस, आई एम एट द टेरेस नाउ. इट्स सो विंडी हियर. So refreshing. So guys,
बहुत सारे लेके आई हैं मैं, इतना सारा भी नहीं लाया क्योंकि जब भी चाहिए तो फ्रेश तोड़ के खा सकती है। ये कुछ इस तरह देख सकते हैं आप लोग, इट्स लाइक ब्रिंजल, बहुत लोगों को नहीं पता होगा, थाई एग प्लांट बोलती है इसको। और इसको हमें एक थोड़ा थोड़ा तोड़ के जस्ट लाइक दिस, यू नो, जस्ट लाइक चिल्ली, चिल्ली की डंडक के से निकालते हैं इसको डाल के। मैं यहाँ पे इट्स जस्ट लाइक यू नो पीस, आई थिंक इट इज इवन कॉल्ड पी प्लांट, समथिंग लाइक दैट, समथिंग पी, मुझे याद नहीं आ रहा है अभी। अभी इसको एक एक करके निकालेंगे और साफ करके उसको हम फ्राई भी खा सकते हैं और यू नो भरता भी बना सकते हैं। सो आई विल शो यू कैसे हम खाते हैं नॉर्थ ईस्ट त्रिपुरा में। डाल देती हूँ उसके बाद 1 chopped आलू एंड आफ्टर दैट चिल्ली अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट, 1 spoon एंड 1 full glass वाटर एंड 3 dry fish एंड लिटल बिट ऑफ टर्मरिक, दैट्स इट। अभी ये गैस में मैं बंद करके रख दूंगी। सो गाइस ये बन गया है, मैंने सिर्फ उसको उबाला है बिना कोई तेल की। अभी उसको मैश करेंगे, यहाँ पे आलू, फर्मेंटेड फिश, दैट्स इट, वेरी बेसिक। एंड पहले मैश करने से पहले यहाँ का जो पानी है उसको एक बर्तन में रख देंगे ताकि आसान हो जाए मैश करने में। सो गाइस आई एम डन कुकिंग और यू नो आई एम स्मेलिंग वेरी फिशी, मछली की स्मेल आ रही है पूरा शरीर में, यू नो दैट्स द यू नो वेरी मच कॉमन थिंग कि वेन एवर यू कुक, जब भी आप कुकिंग करते हो तो पूरा शरीर यू नो स्मेल हो जाती है वेजिटेबल्स की या फिर जो बन रही है। तो अभी मैं नहाने जा रही हूँ, उसके बाद आई हैव माई लंच एंड देन सी यू गाइस। हाय गाइस आई एम बैक अगेन आफ्टर शावर, मैंने नहा लिया है अच्छी तरीके से और जस्ट शैम्पूड माय हेयर टू सिट फॉर अ वाइल। एंड आज बहुत ही अच्छा मौसम है, बारिश भी आ रही है देहरादून में एंड इट्स सो रिफ्रेशिंग एंड हैप्पी। सो आई एम गोइंग टू हैव लंच नाउ एंड विल सी यू देयर। सो गाइस माई प्लेट इज हियर, दिस इज the vegetable, the curry that I made, fermented fish, and this is the fish curry. I took the head part and let me try it. I can't wait. Guys, I think you are able to see me. There is no light and I look much better now with wet hair. And yeah, I look messed. And this is my vegetable. So let me just try this one, okay? I don't know whether it's मुझे पता नहीं कि ये कड़वा होंगे या नहीं, खा के देखते हैं। आनो गई दे मान खाम खा गो दौ खा रखे आ बखर ते आ बखर ना खाते के जिंगा बस कपाल का हम चल खाम खा रंग माच उमई बड़ रंग सौ का
कि आज के लिए इतना ही है, फिर दोबारा मिलेंगे हम लोग ऐसे नया ब्लॉग के साथ। होप ये ब्लॉग आप लोगों को बहुत इंटरेस्ट एंड फन लगा हो, एंड या सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। सब लोग अच्छे से रहना एंड स्टे सेफ एंड डू समथिंग, बी प्रोडक्टिव। बाय बाय, लव यू ऑल।